आप तस्वीरों में जिन बाबा जी को देख रहे हैं, जिनके बाजू से कुत्ता लेटा है, ये अद्भुत संत बाबा जी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके चमत्कार कई हैं। इन्हें जो भक्त कपड़ा देता है, यह उसे पहन लेते हैं और महीनों सालों से उस कपड़े को नहीं उतारते। यह पलंग पर नहीं सोते, ऐसी कुर्सी पर बैठे बैठे सोते हैं। जब कभी नर्मदा जी में स्नान करते हैं तो कपड़े नहीं उतारते, इन्हीं कपड़ों के साथ वो डुबकी लेते हैं और कपड़े नहीं बदलते। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, भामौरा सागर, मध्य प्रदेश। यह फिलहाल 108 कपड़े पहने हैं। यह 5-10 रुपए में पूजा हवन और कथाएं भी कर देते हैं, लोगों के बिगड़े काम बना देते हैं। भक्त ने सस्ते महाराज यानी सस्ते बाबा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा के आसपास मगरौन भड़राना के कई मंदिरों में यह देखे जाते हैं। इनका कोई स्थायी स्थान नहीं है। कौन है सस्ते महाराज, क्या है इनके चमत्कार, हम आपको बताए देते हैं। यह अभी 108 कपड़े पहने जिन्हें इन्होंने सालों से नहीं उतारा। जिस शख्स ने इन्हें कपड़ा दिया, उसकी मनोकामना अगर पूरी हो गई तो वह कपड़ा उतार देते हैं, नहीं तो यूं ही वो कपड़े पहने रहते हैं। यह कुर्सी पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, यह पलंग पर या लेट कर नहीं सोते। इन्हें किसी ने भी दैनिक क्रियाएं या सोच जाते नहीं देखा। सस्ते महाराज की माने तो यह 5-10 रुपये में कभी भी कथाएं कर देते हैं। महंगी कथाएं करने वालों को आपत्ति हुई तो इन्होंने कथाएं करना छोड़ दी। कैसे महाराज जी? 108 बस रहे मैं सारा देखा था जंगल में, पचमढ़ी, नेपाल, जनकपुर, वो मैं भी बसों को जरूरत होती तो काफी बस था। 108 एक बटेरिया में धरे डेब एक बटेरिया 108 कपड़े। महाराज जी मखान थी कि बाबा 108 कपड़े गर्मी में आ जाए। महाराज जी आपको नाम सस्ते महाराज का है पर तो घनश्याम दास महात्मा को दो छोटो तो नाम घनश्याम दास श्री जमुना दास जी की गुफा आप चंद जी जी और परमहंस गुरु शिष्य हमारे गुरु भाई उस समय कहते हैं पंडितों ने रुखो को भैया सुना हमारी अर्चना जी हम भूखों मर जी तुम भाई कह रहे हैं हमने हमें छोड़ ही दी। कुछ दिन तो कुआ घर भूसोधन आदि उम्र लोग कर महाराज जी। आपने स्नान कब करा था? आप स्नान हाँ कबू कहूँ कहाँ महाराज जी कहूँ 4 बजे जी 12-2 बजे उधर कहूँ लड़का जी दो है सेवा कर लगाए। और भोजन भोजन में क्या लेते हैं महाराज जी आप? 1 शक्कर खा पाओ बस। महाराज जी निमंत्रण मिलो है बागेश्वर धाम को तो आप कब बता रहे हो बागेश्वर धाम? बस भाई 2-5 दिन में 5 दिन गाड़ी देख बड़े भाई हमारे। आप ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं मतलब कहीं जाते नहीं है मतलब? नहीं उम्र के हिसाब से खूब तलब थी सागर बंगले रोडी में। यह माँ नर्मदा जी के भक्त हैं और जब माँ नर्मदा मैया में स्नान करने जाते हैं तो कपड़े ही पहने पहने ये स्नान करते हैं। कपड़े कई घंटों कई दिनों तक गीले बने रहते हैं। यह इंसान तो इंसान जानवरों से भी बड़ा स्नेह करते हैं। कुत्ता बिल्ली अक्सर इनके पास सोए हुए आपको मिल जाएंगे, यह उसे भगाते नहीं। हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तभी से इनको ऐसे देख रहे हैं जी। और ये इसी मतलब अवस्था में रहते हैं, बहुत सारी वस्तु ये पहने रहते हैं, जो भी जिस वस्त्र को देता है उसको पहन लेते हैं, अलग नहीं करते हैं। अब जो उनका जैसा संकल्प हो वो अपन को नहीं उसका पता हुआ है कि कैसा है, लेकिन ये जो भी जो वस्त्र देता है उसे वो धारण करते जाते हैं। और उनकी यह सोच रहती है कि ये इसका वस्त्र है, जिसका जो कार्य है
जब तक उसका सिद्ध ना हो जाए तब तक वो धारण करे रहते हैं। सस्ते महाराज इनका नाम पड़ा हुआ है, तो क्या कारण है? कारण ये है कि वो 25 पैसे में 50 पैसे में भागवत करते रहे, कोई भी काम किसी का लाखों का काम उन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया और बना दिया, तो सब सस्ते महाराज कहने लगे भैया काम बड़े बड़े कर देते हो, पैसा कुछ लगता नहीं, तो सस्ते महाराज कहने लगे। इनके आसपास कुत्ते लेटे रहते हैं और वो सोते नहीं है, कुर्सी पर ही रहते हैं, ऐसा कुछ कारण आपको है जानकारी? ये हमने पूछा भी, क्योंकि कहीं कहीं सुना अपन ने कहे भाई कुत्ते पालना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बताया कि देखो ये है बिना झोली के फकीर हैं, ये भी संत हैं, तो इनकी देख रेख करो और इनकी भी व्यवस्था कर दो तो वो भी बड़ा परोपकार हो जाता है। महाराज जी आहार में क्या लेते हैं? आहार में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता, उनका दूध लेते हैं और कभी कभार लेते दाल रोटी एक आध रोटी खा लेते हैं। नित्य क्रियाओं और स्नान वगैरह आपने कभी इनका? हमने अभी तक नहीं देखा है। हाँ भाई बड़े भैया ज़्यादा सेवा में रहते हैं तो वो बताते हैं कि कभी रामदास जी जाते हैं तो वहाँ पर वो इसी अवस्था में, यानी कि कपड़े उतार करके जितने कपड़े पहने रहते हैं उतने ही कपड़े पहने पहने उसी ऊपर से जल डलवा लेते हैं और फिर 8-8 दिन तक गीले रहते हैं, आराम से सूखते रहते हैं। महाराज जी अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं? वर्तमान में उनका निवास है, सब उनने कहीं नहीं बनाया है। अब जैसे अभी हमारे यहाँ रुकते हैं 8-8, 10-10 दिन रुकते हैं, बाकी चले जाते तो कहीं गड़ाकोटा में एक स्थान है तो वहाँ गड़ाकोटा में रुकते हैं, एक यहाँ पर मतलब सब उनके बने हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो ऐसा स्थाई उनने कहीं ना आश्रम बनाया है ना कोई। वो अभी महाराज जी कहाँ पर आए? अभी मंगरौन में है। आपका शुभ नाम? आचार्य सुबोध। यह दूध और कभी कभी एक रोटी खा लेते हैं, यही इनका भोजन है। इन रहस्यमयी बाबा के बारे में पथरिया गड़ाकोटा का इलाका इन्हें अच्छे से जानता है, अन्य जगह यह कभी नहीं जाते। सागर के संदीप दुबे और जितेंद्र श्रीवास सागर ने इन्हें बागेश्वर धाम में होने वाली कन्या विवाह में न्योता दिया है। उस वक्त यह मगरौन में थे, इन्होंने कहा है कि वह जरूर बागेश्वर धाम आएंगे। इन सस्ते महाराज की आने वाले दिनों सागर एक्सप्रेस न्यूज इनके पास पहुंचकर अन्य रहस्य और इन महान संत के विचार और कपड़े पहनने का अद्भुत चमत्कार जल्द ही आपको बताएगा। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।